आरसीईटी के ये प्रश्न अभी रट लो, अगर आपने ये प्रश्न रट लिए तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्का आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक किस प्रकार की साइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए ई कॉमर्स, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी मनोरंजन और ऑप्शन डी ब्लॉगिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मॉडरेशन, ऑप्शन सी अलोकेशन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मॉडरेशन और अलोकेशन सभी राजस्थान संपर्क के चरण हैं। अगला प्रश्न है, डीपीआई का विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए डॉट प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन बी प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, ऑप्शन सी डॉट प्रति इंच और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉट प्रति इंच, क्योंकि डीपीआई का पूरा नाम डॉट प्रति इंच है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी टाइम ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर विनिर्देशक, ऑप्शन बी मेमोरी क्षमता, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सभी, क्योंकि कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है प्रोसेसर विनिर्देशक, मेमोरी क्षमता और हार्ड डिस्क सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए RSLDC, ऑप्शन बी RPSC, ऑप्शन सी ई ज्ञान और ऑप्शन डी ई बाज़ार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ई बाज़ार, क्योंकि ई बाज़ार एक राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी EPROM और ऑप्शन डी ROM। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डायनेमिक रैम, क्योंकि डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती हैं। अगला प्रश्न है, कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए मनोरंजन साइट, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन सी सर्च इंजन और ऑप्शन डी ई कॉमर्स साइट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ई कॉमर्स साइट, क्योंकि कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को ई कॉमर्स साइट की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है? ऑप्शन ए मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी मैनुअल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के F1, F2 आदि के नाम की कुंजियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए नेविगेशन की, ऑप्शन बी विशेष प्रयोजन की, ऑप्शन सी टाइपराइटर की और ऑप्शन डी फंक्शन की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फंक्शन की, क्योंकि कीबोर्ड के F1, F2 आदि के नाम की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ 7, ऑप्शन बी विंडोज़ 8, ऑप्शन सी विंडोज़ 10 और ऑप्शन डी विंडोज़ विस्टा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विंडोज़ 8, क्योंकि विंडोज़ 8 में प्रारंभ बटन अर्थात स्टार्ट बटन नहीं है। अगला प्रश्न है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैश मेमोरी, क्योंकि रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 98, ऑप्शन बी विंडोज़ XP, ऑप्शन सी MS-DOS और ऑप्शन डी विंडोज़ NT। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS-DOS, क्योंकि MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है।
अगला प्रश्न है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी सिस्टम ट्रे, ऑप्शन सी टास्क बार और ऑप्शन डी क्विक लॉन्च। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिस्टम ट्रे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी प्रॉम और ऑप्शन डी ईपी रोम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम, क्योंकि रैम एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज एक्सपी, ऑप्शन बी वीएलसी मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी एडोब रीडर और ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विंडोज एक्सपी, क्योंकि विंडोज एक्सपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, क्योंकि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त प्रिंटर में से लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जो कि टोनर का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं, ऑप्शन ए निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन बी उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिदेशिका चले जाते हैं, ऑप्शन सी निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है और स्रोत फाइल को नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, ऑप्शन बी डिवाइस सेटिंग, ऑप्शन सी सिस्टम को बंद करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग हम एप्लीकेशन लॉन्च करने, डिवाइस सेटिंग और सिस्टम को बंद करने में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ऑप्शन ए जीमेल, ऑप्शन बी मित्रा, ऑप्शन सी राउटर और ऑप्शन डी टॉप लेवल डोमेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीमेल, क्योंकि जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है। अगला प्रश्न है, एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल समूह, ऑप्शन बी संस्करण, ऑप्शन सी पोर्ट और ऑप्शन डी फोल्डर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फोल्डर, क्योंकि एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए वर्ल्ड विजडम वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में www के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी विंडोज और ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओरेकल, क्योंकि ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम शॉर्ट में URL कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 8.1, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी यूनिक्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, DNS का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, क्योंकि DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए संचार,
ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी वित्तीय लेन देन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट के मुख्य उपयोग में संचार, शिक्षा और वित्तीय लेन देन शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मॉडेम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, क्योंकि मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ऑप्शन बी खरीदें और एक साथ भुगतान करें, ऑप्शन सी पहले खरीदें बाद में भुगतान करें, ऑप्शन डी भुगतान एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खरीदें और एक साथ भुगतान करें। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर क्या है। ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले इंटरनेट सेवा, मॉडेम और वेब ब्राउजर सभी की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन ए उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता, ऑप्शन बी खाते की सुरक्षा, ऑप्शन सी समय की बचत और ऑप्शन डी लागत बचत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन सी ड्रॉप बॉक्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण में गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स तीनों ही क्लाउड स्टोरेज हैं। अगला प्रश्न है, यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए पैसा भेजने के लिए, ऑप्शन बी भुगतान करने के लिए, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसा भेजने के लिए, क्योंकि यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसा भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए naukri.com, ऑप्शन बी amazon.com, ऑप्शन सी paytm और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए naukri.com, क्योंकि जॉब सर्च करने वाली वेबसाइट में naukri.com शामिल है। अगला प्रश्न है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। ऑप्शन ए घरेलू डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, ऑप्शन सी सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सभी, क्योंकि रुपे डेबिट कार्ड घरेलू डेबिट कार्ड हैं, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है और यह सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी। अगला प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी पंच कार्ड रीडर, ऑप्शन सी चुंबकीय टेप और ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्कैनर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है OMR, जिसका अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज़ पर बने पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। ऑप्शन ए राजी वॉल्ट, ऑप्शन बी ईज्ञान, ऑप्शन सी RPSC और ऑप्शन डी राजी साइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजी वॉल्ट, क्योंकि राजी वॉल्ट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। अगला प्रश्न है, SBI बड़ी क्या है। ऑप्शन ए एक खेल, ऑप्शन बी मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, ऑप्शन सी बैंक खाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, क्योंकि SBI बड़ी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है।
अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बी टू सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए SBI बड़ी, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी पेटीएम और ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी गूगल प्लस और ऑप्शन डी ट्विटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्विटर, क्योंकि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम शॉर्ट में ISP कहते हैं। अगला प्रश्न है, MOOC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन बी मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन सी मेगा ऑनलाइन ओपन कोर्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, क्योंकि MOOC का पूरा रूप मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगला प्रश्न है, WORN डिस्क का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट वन रिकॉर्ड मैनी, ऑप्शन बी राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन सी विद वन रिकॉर्ड मैनी और ऑप्शन डी राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइट वंस रीड मैनी, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट वंस रीड मैनी। अगला प्रश्न है, OTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वन द फोन, ऑप्शन बी आउट टू प्रैक्टिस, ऑप्शन सी वन टाइम प्रोग्रामेबल, ऑप्शन डी वन टाइम पासवर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि OTP का पूर्ण रूप वन टाइम पासवर्ड होता है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ये वीडियो देखिए, जिससे आप RSAT में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए SRAJ इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।